आचार्य कौटिल्य संघर्ष समिति जौनपुर द्वारा मड़ियाहू वैष्णवी मैरिज हॉल में वैचारिक संगोष्ठी संपन्न हुई। ब्राह्मण सनातन धर्म का रक्षक होता है। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वह सतत प्रयत्नशील रहता है। वह समाज का पथ प्रदर्शक भी है। उसे संगठित होने की आवश्यकता है। बिखराव से उसका विलक्षण भी हो सकता है और उसका बल छिड़ भी हो सकता है और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। उक्त बातें आचार्य कौटिल्य संघर्ष समिति जौनपुर के बैनर तले मड़ियाहू विधानसभा क्षेत्र के ब्राह्मणों को वैष्णवी मैरिज हॉल मड़ियाहू में उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों की भूमिका के विषय में बोलते हुए समिति के अध्यक्ष एवं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुशील उपाध्याय ने अपने संबोधन में कहा। उन्होंने कहा कि आदिकाल से लोगों के जन कल्याण हेतु ब्राह्मण अपना त्याग करता रहा है। महर्षि दधीची ने जन कल्याण के लिए अपनी हड्डी देकर अपना प्राण त्याग दिया। आचार्य कौटिल्य सड़क पर पड़े व्यक्ति को उठाकर मगध का राजा बना दिए। उन्होंने ब्राह्मणों का आह्वान किया कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आए, संगठित हों और बिखरे ना। इसके पूर्व राम सजीवन मिश्र, कमला शंकर दुबे, पंडित राजकृष्ण शर्मा, सुनील तिवारी प्राचार्य, डॉक्टर एस के पाठक पीजी कॉलेज मड़ियाहू प्राचार्य, डॉक्टर सुधाकर मिश्र केडीएस महाविद्यालय पाली सुभाषपुर, डॉक्टर सूर्यनाथ दुबे, राकेश मिश्र, संतोष उपाध्याय आदि ने संबोधन में कहा कि ब्राह्मण समाज समाज का दर्पण होता है। वह किसी को सत्तासीन कर सकता है और उसे हटा भी सकता है। वह ताकत केवल ब्राह्मणों में ही देखने को मिलती है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनाई गई, बसपा की सरकार बनाई गई और दोनों को हटाई गई। वक्ताओं ने कहा ब्राह्मण समाज तभी अपना गौरव प्राप्त कर सकता है जब वह संगठित होकर चलेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर गौरी शंकर त्रिपाठी पूर्व प्राचार्य पीजी कॉलेज मड़ियाहू ने किया और कार्यक्रम का कुशल संचालन डॉक्टर वेद चौबे ने किया। करीब 1000 ब्राह्मणों को अंगवस्त्रम देकर उनका सम्मान किया गया। अंगवस्त्रम आनंद दुबे की तरफ से दिया गया। इस मौके पर श्याम सूरत पांडे, कृपा शंकर दुबे, सुभाष शुक्ला, आद्य प्रसाद गिरी, जगदीश उपाध्याय, विनय कुमार दुबे, प्राचार्य तारा शंकर दुबे, जयशंकर देवी प्रसाद, वरुण दुबे, राजेश पांडे, रमेश दुबे तथा रमेश तिवारी सहित अनेक विद्वान ब्राह्मण उपस्थित थे। समिति के अध्यक्ष और अन्य लोगों ने ब्राह्मण परशुराम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। देखिए मड़ियाहू जौनपुर से कपिल देव सिंह की रिपोर्ट। मैं ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और मैं आचार्य कौटिल्य संघर्ष समिति के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि परमाधिकारी प्रबंधक श्री अपूर्व तिवारी जी व प्राचार्य डॉक्टर एस के पाठक सर का संघर्ष समिति का ये फटका पहना करके हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। में पधारे समस्त मंचस्थ जन की शिक्षाओं में सागर प्रणाम करते हुए और आशीर्वाद देते हुए मंच के समक्ष बैठे हुए समस्त सम्मानित विद्वत जनों के शिक्षाओं में प्रणाम करते हुए आप सभी का शुक्ला जी, पंडित आशीष शुक्ला जी, ये ब्राह्मणों की आवाज कम से कम उन पार्टियों तक तो पहुंच ही जानी चाहिए, सपा बसपा भाजपा तक, क्या कि ब्राह्मण जुटे। जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम। जिस व्यवस्था में है उस व्यवस्था में आगे बढ़ता रहेगा। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष
हमारे गुरु, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य और अंग्रेजी विषय के पूर्वांचल के सबसे बड़े पुरोहित डॉक्टर त्रिपाठी जी, मरियाहो पीजी कॉलेज के यशस्वी प्राचार्य प्रबंधक, जिन पर सिर्फ मरियाहो नहीं पूरे पूर्वांचल को गर्व रहता है, जितना संरक्षण, जितना सहयोग, जितना अपनापन आपका मिलता रहता है। मंच पर उपस्थित विद्वज्जन एवं हमारे सामने बैठे समस्त शुभेच्छा, आज की बड़ी समस्या है ब्राह्मण समाज को एकत्रित करना, संगठित करना। निश्चित रूप से जिन्होंने इस संगठन को बनाया है, जिन्होंने इस महनीय कार्य को किया है, सबसे पहले हम उनको साधुवाद और ढेर सारी बधाई देते हैं। हम आप जिस अंचल में बैठे हैं, जहां तक मैं देख रहा हूं, लगभग सभी लोग कहीं न कहीं से हमारे अपने ही हैं, जुड़े हैं। यहां के इतिहास से हम सभी वाकिफ हैं कि मरियाहो के गौरव को, चाहे पंडित राजेश तिवारी रहे हों, चाहे डॉक्टर लीना तिवारी रही हों, उन्होंने हम सभी के गौरव को सदैव ऊंचा किया। आज उसी परिवार के मुखिया मरियाहो पीजी कॉलेज के प्रबंधक श्री अपूर्व तिवारी जी को अपने बीच पाकर हम सभी धन्य हैं। आप समझे हमारी आजादी को कितने वर्ष गुजर गए, मरियाहो से कितने विधायक हुए, लेकिन जब आप उंगली पर गिनेंगे तो सबसे अधिक संख्या, सबसे अधिक बार संख्या इसी परिवार से रहा। कहने का आशय यह कि जिस परिवार ने हमारे गौरव को बढ़ाया पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, हम सबसे पहले पंडित राजेश तिवारी जी को बार बार नमन करते हैं, बार बार सत्संग। मंत्र राजेश संघर्ष समिति द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज की भूमिका कैसी। हनुमान की, भगवान की, आचार्य
आचार्य कौटिल्य की, बाबा विश्वनाथ की, पार्वती पटारे, आप सभी लोगों से आग्रह है अगर